वेलकम टू माई YouTube चैनल। आई होप एवरी वन इज डूइंग ग्रेट। तो हम आज ईद का ही दिन है लेकिन ये व्लॉग डिफरेंट है। मैंने कहा था शाम को हम कहीं निकलेंगे, तो हमने कहा चले अब ईद हो गई है तो वो पिंडों में सुबह नमाज पढ़ने के बाद ना बच्चों को पिंगों पे लेके जाया करते थे ना हम जब छोटे होते थे। हमारे माँ बाप हमने पर्स पकड़े होते थे जब हम गाँव जाते, मैं गाँव की बात बता रही हूँ, मतलब हम शहर से आते थे ना अपने गाँव में जब जाते थे लकी रानी सर्कस देखने जाते। हाँ लकी रानी इस तरह के ना पर्स होते थे छोटे छोटे ना हमारे, हमने ऐसे ही थे। और मैं जब भी बच्चियों को देखती हूँ ना छोटे छोटे पर्स उसमें सारी सब चचा ताया मामा टाटा सब बीदी देते ना दो दो। उस जमाने में कोई दो रुपए देता था, कोई पांच रुपए देता था, कोई दस रुपए देता था, कोई ज्यादा मैक्सिमम दस बीस दे देगा तो हमारा अरबपति हो चुके होते थे। तो फिलहाल हम सारी इकट्ठी करते थे तो हमारा मकसद ये होता था ईद के तीन चार दिन खाना नहीं खाना, गंद खाना है तो सारा गंद खाते थे। और उधर के बाद फिर शाम को लकी रानी सर्कस तो नहीं होता था, वहां पे छोटे से फन फेयर लगे होते थे जिसमें हाथ से ऊपर नीचे वाले झूले और ऐसे पिंगे बड़े कोई दरिया के सामने ऐसे वाले मूवी देखने भी जाते हैं इंडिया पाकिस्तान में ना लोग जब होती है। लेकिन वहां पे हमारे पाकिस्तान में मूवीज ऐसी पंजाबी तुम बताओ सुल्तान राय हमारे अम्मा पापा देखने देते नहीं वो उस टाइप है ना सलमान खान पिंडों में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। उस जमाने में वीसीआर होती थी घरों पे आती थी मूवियां शुभियां। लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि ये हम जरूर करते थे जब छोटे थे, मतलब फाइव ग्रेड से छोटे होंगे, कजन सारे हमारे चलते थे बड़े भी छोटे भी तो हम जाते थे। तो आज वही करने जा रहे हैं तो शाम को बच्चों को पिंखे दिलाने जा रहे हैं। एक नया स्पॉट निकला है फन स्पॉट तो वी आर गोइंग देयर। लेट्स सी वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, बच्चों को फन होता है कि नहीं। पहले तो मेरा था कि सी व्यू नहीं फिलहाल मेरा दिमाग नहीं चल रहा। मुझे शर्म आ रही है कि रोजा तो नहीं है, बार बार दिमाग में हो रहा है कि इनके सामने क्यों खा रही हूँ, क्या करूँ। तुम लोगों का एहतराम करना पड़ता है, हम रोजा रखे ना रखे आप लोगों के सामने हमको एक्टिंग कितनी करनी पड़ती है। नहीं पूरे रखे, परेशान नहीं लेने की जरूरत नहीं। चलो आ गए जा रहे हैं फिर मिलते हैं तुम लोगों से सी व्यू पे फन स्पॉट पे। आ गई हूँ लकी रानी सर्कस पे, तुम लोगों को लेके आ गई हूँ। अब मत कहना आज मैं सिर्फ तुम लोग आज मुझसे ये शिकायत करते हैं, आप जो है ना सिर्फ अपने आप को दिखाती हैं दुनिया नहीं दिखाती। आज बेटा मैं तुम लोगों को दुनिया ही दिखाऊंगी खुद नहीं दिखाऊंगी। वो देखो लकी रानी सर्कस झूले लगे हुए हैं, यहाँ हम ईद मनाएंगे, हमारे जैसे और भी बहन भाई आए हुए हैं। आ जाओ बच्चों, देखो हमारे बहन भाई भी हैं। हमने कहा था ना सारे हम ईद मनाने आए, तुम लोग परेशानी ना लेनी है ना परेशानी देनी। चलो बच्चों आ जाओ, खूबसूरत मौसम है ना, हवा चल रही है। या वी आर गोइंग पापा मामा आओ, यहाँ आ नहीं रहे, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं बिलाल, उनको गाड़ी में कोई गोद से उठाएगा फन स्पॉट। अब यहाँ पे फन केड़ा है ये ढूंढना है, ठीक है अभी आप लोगों को पता चलेगा तो हम ढूंढेंगे। कहाँ है अच्छा मुझे ऐसे लग रहा है गर्मी का हवा चल रही है और गाड़ियों की, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तान में ना वो हूँ, मतलब पाकिस्तान का मुझे लग रहा है क्योंकि वहाँ पे क्लिफ्टन में आई हूँ। वो जो था नहीं था पुराने जमाने में क्लिफ्टन में एक होता था ना, वो लग रहा है भैया मुझको। देखो कितना अच्छा मिक्स है, चिड़िया भी साथ में है और वो भी, और मतलब ये मुझे अच्छा लगता है यहाँ का। जियो अपनी जिंदगी खुशी से जियो, कोई टेंशन नहीं है यहाँ की। चलो जी पीछे चले, लोग कितने खुश हैं, ये लो राइट। हाँ ये वाली है, आ जाओ भाई। आ गई हूँ मैं, मैंने यहाँ पे सारे दुनिया जहान के थीम पार्क्स है ना, यूनिवर्सल डिज्नी सी वर्ल्ड
तुम लोगों को लोकल जो है ना, जिस तरह कराची के होते हैं वो यहाँ पे तुम लोगों को समाऊ। ये देखो, ये देखो, ये बिल्कुल वैसा ही है, खाली चल रहा है, एक के लिए पूरा इन्होंने लगाया हुआ है। और ये देखो, ये पानी का। और तुम देखो क्राउड अपना है, सारा ईद मनाने आए हैं बेटा, सारे ईद मनाने आए हैं। मैं तुम लोगों को लाई स्पेशली क्लिफ्टन पे हूँ, जो यहाँ पे सारे स्पेशल आए ईद मनाने। हाँ अभी ईद तो मना लें पहले, चल रहे हैं। एक्चुअली मैं ढूंढ रही हूँ अपनी दोस्त को, वो लोग भी हमारे पास, हमारी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड जो है ना वो भी आई हुई, तो हम यहाँ पर फैमिली वो करेंगे। ये बैठने की जगह है, ये एंजॉय करें, सारे ईद मना रहे हैं, हम भी ईद मनाने आए हैं। मैंने तुम लोगों को आज जितना मजा कराना है ना, जो मजा अपनों में है ना, ले मेरी फ्रेंड भी आ गई, हम भी आ गए, हम सारे आज, मुझे लगा कि हम लोग कराची के क्लिफ्टन में आए हुए हैं और क्लिफ्टन को एंजॉय करेंगे। और ये स्पेशली वो बड़ी वाली राइड के लिए मंगाया है जो पीछे है, ये और मैं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं ना बची तो ज़कात दे देना मेरी दादा, बट हम इसके लिए आए, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। एक तो हम लेकिन यहाँ जो मुझे देसी फील आ रही है ना, वो कहीं पे भी नहीं आ रही। राइड है ना वो इस तरह की होगी, चेक कर लें, एक तरफ और ये दूसरी तरफ यू जाएगा, ऐसे एक्सपीरियंस है। ये लो बच्चे हमने बिठा दिए हैं, देख लो अब कराची के, अब आज बच्चे हमारे कराची के जू एंजॉय करेंगे। टी कप से भाई है, इसमें चाय मिलती है, ठीक है। इनकी एंजॉयमेंट चेक करें, बच्चे खुश हैं, खुद ही चला रहे हैं यार, उनको चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ उसने उसका बच्चा दे दिया, क्योंकि उसका बच्चा बैठने के काबिल नहीं था, उसने कहा मैंने नहीं बैठना। बच्चे बैठ दिए, बाकी सारे खा लिए कप। ये वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्काई कोस्टर राइड है, अब चल के देखते हैं कि ये हम ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे, हम में हिम्मत आएगी कि नहीं आएगी। चलें आप ये व्लॉग देखना मत भूलिएगा कि बाजी करती क्या है, पता नहीं बाजी बचेंगी नहीं बचेंगी, क्या होगा, किस तरह होगा, आई डोंट नो। बंद है तो अभी हम लोग दूसरी राइड ले रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। अब हम आई डोंट थिंक सो दे विल, रायन माशाल्लाह एक्टिव है आज, रायन खुश बिस्मिल्लाह। रायन वाज रियली स्ट्रांग टू गो ऑन द वे एंड अ रियली स्केरी, हां टोटली स्केरी वन। हां अब वो देखें, एंड दम वो इज नॉट ही इट हिट इज ब्रेकिंग या। कोई कमेंट्री करो, अलमास बाजी राइड ले रही है, अलमास बाजी अब देखने वाली है, देखना पड़ेगा। Yeah.
भाई अपने अपने बच्चे संभालो, दोनों माँ बाप नहीं भेज सकते। उन्होंने कहा है एक बाप या एक माँ पीछे रहेगी। It's his idea, man, and he's staying back. It was his idea, and he's himself staying back. So. All right, now here's the worst part. Who's gonna pull the release to make it drop? Perfect. You can scare them as much as you want. And I bet you don't need that much to scare the one in the middle. Joby, don't get scared. अलमास, जो भी चीज़ें बाद में आपने करानी है ज़िंदगी में मुझे बता दो पहले। Oh my God! वो क्या कह रहे हैं भाभी? वो कह रहे हैं मैं किसी और को देनी होगी तो दे दूंगा। ये देखें, दिखाओ ये भाई, ये this belongs to someone now. ये क्या कह रहे हैं? जो जो आखिरी ख्वाहिश है वो कर लें ताकि अल्लाह ताला आपकी पूरी कर ले सब। कलमा है शहादत। What is my daughter saying? She's saying, yes, marry anyone. Oh my gosh. All right, y'all ready? Let's do this. Yeah, I got it. Right. No, Ram, when? ये यहाँ की सबसे खतरनाक राइड है जनाब। ये जी ऊपर जा रही हैं, यहाँ की सबसे खतरनाक राइड, जो कि अलमास, उनकी फ्रेंड और माज तीनों कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है। Almas, any last wish? ले जी, ये यहाँ की सबसे खतरनाक राइड है। ये देखें आप कितनी ऊंची है और ये इनको इस हाइट से गिराएगी। ओह माय गॉड, मैं तो कभी भी यहाँ से ना मारूं। ये हसन, ये ऊपर लेके जाएगी ना? हाँ, ये ऊपर लेके जाएगी। गिर गया। They just fell. They literally just fell. Oh my God. ऐसे नहीं कहते हैं आयमा। Oh my God, ये जा रही है बाजी। बाजी इज गोइंग, बाजी इज, बाज आई ओके। अच्छा, बाय बाय। लुक एट द किड्स मैन, अच्छा ये अभी इनको लिफ्ट करेगी। ओके राइट, हाइट चेक करें इसकी। ये गई बाजी, गई ऊपर। मैं अकेले के ये नहीं करती।
क्या बनाया मैंने वो दही से यहाँ क्या से गिरा निकाल मैंने यहाँ से वहाँ निकाल वो चली गई बाजी आपकी चले गए ओह माय गॉड ये कम से कम नहीं तो कोई मेरा ख्याल है वहाँ से आ सकते हैं 1,000-1,500 फुट से ज़्यादा है ये Oh my God! Zoom in, करो बिलाल. Oh my God! Oh my God! बिलाल कहाँ से गया यार? Oh my God यार! मास आवश्यक मास बस मेरा ख्याल है मेजर हो गया बस 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 के ये नहीं मेन मेन जो है वो हो गया है मास चुप है यार मास बीच में सैंडविच बना हुआ है दो खवाती हाँ भाई कैसा रहा बिलाल ये तो बच गए फेल हो गया अपना प्लान ये तो भाई अंगूठियां दे रही वापस जा रही हैं प्लान फेल रॉबर्ट नया प्लान तेरे पास तो रेडीमेड ऑप्शन पड़े हैं हमारे पास तो ऑप्शन भी नहीं है भाई हाल मास हाउ वाज इट रेकमेंड करेंगी भाभी आप लोग रेकमेंड करेंगे ये अरे यार ये प्लान फेल हो गया प्लान प्लान फेल हो गया यू गॉट अ थिंग वापस दे रहे हैं अंगूठियां बेगम को अपनी यार ये ऐसा लगता है आपकी तरफ आ रहा है लेकिन ये सही का होना है मकान अब यहाँ पे खाना खाने क्योंकि हम थक गए हैं और आप बिलीव करें ऑरलैंडो में ईद के दिन भी सारे रेस्टोरेंट जो है ना 8-9 बजे बंद है बिलाल कितने प्यारे लग रहे हैं आई लव बिलाल सैंड बैग बिलाल आपका बैग बहुत प्यारा लग रहा है आपको पता है वो चाइना में वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और वो जो चल रहे होते हैं ना उसमें वो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड का इस तरह से बैग उठाया हुआ हाँ तो उसमें तो कोई शर्म की बात नहीं आप तो फिर भी बैग उठाया हुआ मैंने इसलिए उठाया हुआ है कि तुम्हारी तो बंदा नहीं है तुम्हारे पास नहीं लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है आप अच्छे लग रहे हैं हम तो भाई मौलाई आदमी लेकिन अच्छे लग रहे हैं आप पे बहुत महसूस भी कर रहा है हम आ गए आखिरी रेस्टोरेंट जो खुला हुआ और बिलीव करें इस पे अंदर दिल धरने की जगह नहीं है इन्होंने कहा 10 से 15 मिनट रुक जाए तो इसीलिए हम 10 से 15 मिनट बाहर रुके हुए हैं अब देखेंगे क्या होता है हमारी सिस्टर की तरह मुश्किल से ये टेबल मिला है टाइम भी बंद होने वाला है 10:00 पे तो अब ये है कि ये टेबल साफ करें बाहर दोपहर आई एम नॉट मेकिंग एनी वीडियो डोंट वरी अबाउट तो बस अभी ये है कि ये टेबल साफ हो जाए तो हम लोग बैठें बैठ तो हम चुके हैं लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा है
ईद का रश, इनसे टेबल ही साफ हो रहा है। उठा लें, अब ये लोग उठा रहे हैं। ईद का रश चेक करें, सारे अपने उसमें आए हुए हैं। ये हम आप पाकिस्तानी उसमें आए हुए हैं, सेंटर में हर कोई अपने साथ आया हुआ है। ये बिलाल देखे कैसी तस्वीरें खींच रहे हैं। खाना ले, इस तरफ है खाना हमारा। बिलाल को बड़ा शौक हो रहा है आज तो कई दफा वीडियो बनाने का। शुरू करें बिलाल।